राम राम जी। तो कैसे आप सब? तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, माँ जी कहाँ है? तो मैं बता दूँ, तो मैं माँ जीत गई हैं अपने पीहर को बिहार, वहाँ तो बिहार में गई हैं माँ जी। तो और मौसिन जो कहेंगे बेटा सारे काम है देख लिए घर के गोबर पानी के, तो भैया हम तो यहाँ मजी से लग रहे हैं कि काम निपटा लें। वो तुम जो बताओ, तुम भी करो अपने घर में ऐसे काम या ना, थोड़े बहुत काम कर ले करो तुम भी भैया। किससे बात कर रही है? ए बाबा, ये न्यू कह मैं कि तुम हमसे बात ना करते, मैं इनसे बात कर रही हूँ ऑडियंस अपनी। राम राम जी, मेरी और तो अभी संबंध है कर ली हो तो बात जा घर को, अब कहा ले आज के हो गए तो जा ना बाबा, उधर के भी रह गए थोड़े सुपला। अरे इन्हें मैं करके आ रहा हूँ, तू जा इन्हें जा। ए बाबा, मैं पता चल गई तुम काय मारे भेज रहे हो, मो काय को भेज रहा हूँ? तुम्हें ना बेच के अपने बीड़ी और सिगरेट को इंतजाम कर रहे हो, फिर क्या होगा? तो बताओ भाई बताओ, सही कर रहा हूँ मैं गलत? जब कि नहीं तो पहचान को जुगाड़ नहीं हो रहा, 10-20 रुपया पल्ले पड़ जाएंगे इन्हें बेच के। तेरी दादी तो जो 1 रुपया देना खर्चा पानी को, पॉकेट मनी जो ये आजकल के बालक समझे पॉकेट मनी, समझ रहे हो ना? हाँ माँ जी क्यों दे जाएंगी तुम्हें, तुम्हें देनी चाहिए माँ जी है तो पॉकेट मनी। पॉकेट मनी वो देख रहे हैं जहाँ पे पैसा ज्यादा रहे, जो घर को खर्चा चलावे। अब घर को ज्यादा पैसा किस पे रहे? तेरी दादी पे। तो पॉकेट मनी कौन देगा? तेरी दादी। अब तेरी दादी आज के है ना, तो फिर सारे पैसे ने थोड़ी ले गई है दादी, थोड़े बात तो छोड़ के गई है। बेटा जिन्हें छोड़ के गई है वे ताले में धरे हैं, जा ज्यादा ना हो या मैं सु कम आधे ने बेच दूंगा। अरे 50-60 रुपया के 100 रुपया बिक जाएंगे, 5-7 दिन को मेरे बीड़ी मौचिस को कम चल जाएगा। और कहा माँ जी ने मौसम न करिए, कोई भी ना आना चाहिए है उपलन के पास। मेरा बेटा, अरे मेरा प्यारा बेटा, कोई आधे पैसा तू ले ली जो ना बाबा मो न लेने, माँ जी ने मैंने करी है कि उपलन कहीं ना जा। मैं तो एक काम करियो, 20% मैं रखूंगा, 80% तू ले लियो, आधे से भी ज्यादा। ना बाबा, फिर माँ जी मैं मारेंगी आके। कल को ने होता गंगा शरण के सु चूल्हे ने होता आएगा, तू भी चली जाइयो अमन की गल, ठीक है ना? ना बाबा मैं ना जाऊं कहीं भी, माँ जी ने मौसम ना करी है, कोई भी ना आ रही प्लेन के पास। वो लगा दे दो बाउंसर और लगा ले हैं सिक्योरिटी को। बाबा करा खल चोकर को पैसा मांग रहा हूँ टर्री वाला, तो पैसा जब ही तो दूं जब ही नंदे बेकन दे भाई। यू कहाँ रे, कहाँ को एक्टिंग दिखा रही है तू? माँ जी ने मौसम मना कर रखी है ना बेकने की। मत कर चल, तू और आई माँ जी चल के। माँ जी आन दो तो फिर बता, मैंने देख के भी दिखा दे। मैंने यार लालच भी दे दिया। आ रहा हूँ अभी, दे मुझे पैसा। चल नहीं चल घर को चल तू, वह खड़े जो कमरे में गिरवा, मैं आ रहा हूँ पैसा लेकर। क्यों गिरवा देगा, मैं क्यों गिरवाऊ? बाबा यार तुम उल्टी बात न करे करो, तुम्हारी जिम्मेदारी बने हमें खवाने पियाने की, इनके चक्कर में खड़े होता मैं समझो ना थारी बात न, मत जा रही तू पागल बना रहे। बाबा माँ जी तो उसे लड़ेंगे फिर, सारे के सारे मेरे पीछे पड़ जाओ तब ठीक है ना? ऐसी तो वो है कि वो अपने पीहर में ब्याह को ना लेकर गई, खुद ही खुद दावतन के चक्कर में डोले, ऐसी अब यू हैगी, ऐसा ही तू है को। कल मारक मेरी ले गई खेल में से, अरे खड़े हो ही देख ली जब। और बुआ दा बीज तुम यही वजह से तो ले जाने लायक ना हो कहीं भी, यही वजह से ना लेके गई मैं, वहां जाके भी ऐसी कर दे तुम, मैंने दे रही एक भी उपला खाऊंगा। तो हम भी देख लेंगे तुम कैसे खाओगे, अब माँ जी से पहले कह देंगे कि तुम काम चिल्ला में होने। हाँ ठीक है, नॉर्मल अपना लड़ाई चल रही है भैया, ब्लॉग में देखते रहो ऐसा लग रहा है हमारा बाबा और हमारा कैमरामैन खोसी उठ रही है, खोसी की दवा दे दीजिए बाबा एक ढक्कन।
एक ढक्कन नहीं खड़ू बिगर पानी के ले लीजिए सौंज को। तो रुकी नहीं रही है खांसी इनकी। तो ये हमारा जैसा जो वीडियो का शूट नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। तो इन दोनों का क्या है, प्रिपेयर होके आते हैं कि हमें तो करना है भैया एक्ट, आज वो वीडियो का शूट हो नहीं पाया था। इन बाबा ने गेटअप ले लिया तो फिर अपना लग गए ये एक्टिंग में, ये वही चल रहा था। बाकी कैसा लगा, मजा आया? यहाँ तो सच में ये एक एक ढक्कन ना आधा आधा गिलास भर के। तो भैया व्लॉग करिए लाइक, कमेंट करके बताइए कैसे लगा, और चैनल कर लियो सब्सक्राइब। Yeah, we the co-creators, number one in Africa. Yeah.